नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलविज न्यू मूवी अपडेट्स। बिग बॉस 14 जितना नज़दीक आता जा रहा है, कंटेस्टेंट कौन, साथ ही साथ अगर हम तो यहाँ पे तो जितने भी बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट थे जैसे कि सिद्धार्थ, गौहर खान, हिना खान, ये क्या क्या बिग बॉस में करने वाले हैं 14 में, वो भी रिवील होता जा रहा है। हमें पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का एक स्पेशल सेगमेंट होगा जहाँ पर बिग बॉस की वो बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट होंगे उनकी शामत लेने वाले हैं। अगर हम बात करें हिना खान की तो कहा जा रहा है कि वो शेर खान बनने वाली है और उन्होंने अपने प्रोमो में कहा था कि इस बार वो जो है शेर खान से उनका मुकाबला होगा, यानी कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट का। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा आपने बता दिया कि सिद्धार्थ क्या करेंगे, आपने बता दिया कि हिना खान क्या करेगी, लेकिन फिर गौहर खान क्या करने वाली है। तो हाल ही में गौहर खान का भी प्रोमो रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गौहर खान इस बार हमें बिल्कुल यूनिक दिखाई देने वाली है। प्रोमो में साफ साफ कहती हैं कि इससे पहले जब सीज़न था उनका तब उन्होंने बिग बॉस के जो रूल्स थे उनको फॉलो किया था, लेकिन अब गौहर खान रूल फॉलो नहीं, रूल बनाने वाली है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट से कि गौहर खान के पास इस बार काफ़ी ताकत होने वाली, काफ़ी पावर होने वाली है और कहीं ना कहीं वो रूल्स को बनाने वाली है बिग बॉस 14 में। वेल, यहाँ पर यही कह सकते हैं कि हिना खान हो, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे गौहर खान हो, इन दोनों तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बिग बॉस 14 में और कहीं ना कहीं बाजी पलटने वाले हैं। जिस तरह सलमान कहते हैं ना कि बाजी पलटेंगे इस बार बिग बॉस, और मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं ये तीन भी कर सकते हैं। तो बस अब तो यही कहूँगा कि आप वेट कीजिए बिग बॉस 14 का। यहाँ पर मैंने तीनों के आपको प्रॉपर बता दिया कि ये तीनों करने क्या वाले बिग बॉस 14 में, तो अब आपको उसका कोई डाउट नहीं रहने वाला, आपको कोई शंका नहीं रहने वाली कि ये तीन बिग बॉस 14 में क्या करने के लिए आने वाले हैं। तो इनका एक स्पेशल सेगमेंट है, चाहे सिद्धार्थ का हो, चाहे गौहर का हो, चाहे हिना का हो। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।